खन्ना जी बोलो गुप्ता जी, इस मुर्गे को हाथ ना लगाना, इस दारू से पैग ना बनाना। तो जी अगर दारू से पैग नहीं बनाएंगे तो अपने व्यूअर्स को क्या दिखाएंगे? बात तो सही कह रहे हैं, चलो आपकी मान जाते हैं। चलो तो आज करें इसका टेस्ट, करते हैं, करें स्टार्ट। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस आज हम आपको टेस्ट करके बताएंगे द फेमस ग्राउस। तो करें चालू? बिल्कुल करते हैं। तो पहले इसके बारे में बताओ। देखो गुप्ता जी, ये स्कॉटलैंड की है, बोटन इन स्कॉटलैंड होके आती है और वहाँ की बहुत फेमस दारू है और ब्रिटेन में भी बहुत पीते हैं लोग। अच्छा। और खास तौर पर पंजाबी बहुत पीते हैं। अच्छा। हाँ, तभी आप लाए हो इसे? तभी लाया ना, मुर्गा भी बनाया इसमें। हाँ सही बात, इसलिए लाया जो आप घर में बैठे रहते हो मुर्गा बनकर। हाँ, और इसमें जो अल्कोहल है वो है 43%। अच्छा। और 750 ml की बोतल है और मैथ्यू ग्लोक ने इसका शुरुआत करी थी। बेटे का नाम भी उनका ये था और पिताजी का भी नाम ये था, दोनों के सेम नाम। हाँ, उन्हें नाम नहीं मिल रहे थे। नहीं, नाम नहीं मिल रहे थे। तो हमें कांटेक्ट करता है। इसके और भी ब्रांड आते हैं, मतलब इस कंपनी जो कंपनी ये बनाती है उनके और भी ब्रांड आते हैं। मैकलेन ने आपने सुना होगा, तो बहुत फेमस है। फेमस नहीं, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो उसी का कुछ मिक्सर भी इसमें डाला हुआ है। तो एक्सपेंसिव पिलाओ यार फिर। ये नहीं, एक्सपेंसिव भी है। चलो चलो इसके प्राइस बता देते हैं। ये गुरुग्राम में तो 900 रुपए है और दिल्ली में अप्रोक्सीमेट ये 1500 रुपए की दारू है। ठीक है, ठीक है, तो चालू करें? बिल्कुल करते हैं। चलो ले आओ गिलास। हल्की स्मेल है स्प्रिट की, है ना? लेकिन हाँ, तेल लग रही है आपको? मुझे कम लग रही है। अरे पहली बार में तेल लग गई, अब तो सही है। वो पहली बार में जब कोई भी लोग है ना, हल्की भी होगी उसके एकदम वो मारेगी, उसके बाद करोगे। आओ टेस्ट करें फिर। बिल्कुल टेस्ट करो। वो होती है ना जो सस्ती दारू। हाँ, वैसी लगेंगे। सही बता रहा। लग तो वैसे ही है ना। सस्ती दारू का टेस्ट आ रहा है, एकदम से धुआं मारती है। धुआं मारा है ना, हिट तो मारा है। अंदर तक जा रही है अभी तक गर्म। तो उसको पीने के लिए पानी डाल लेते हैं। पानी डालना पड़ेगा ऐसे, मतलब ये ना स्मोकी है ना उसमें आ रही। बिल्कुल माइनर सी कोई स्मोकी, मतलब कुछ समझ में नहीं। तो लगा ही नहीं मुझे, पर बिकती बहुत है बात। अच्छा जी, स्कॉटलैंड में बहुत बिकती है। अब इस वीडियो के बाद यहाँ भी चालू हो जाएगी, यहाँ भी बिकेगी, कोई बात नहीं, पीते ही होंगे यहाँ पे भी लोग। ऐसी बात नहीं, काफी लोगों को पसंद है, कहते हैं। दिल्ली के ठेकों पे मिल रही है? दिल्ली के ठेके में वैसे आजकल कम ब्रांड मिलते हैं। बात तो सही। अरे ठेके से बात याद आई, अभी यहाँ पास में ना एक नया ठेका खुला, तो सुबह सुबह मैंने देखा वो शटर खोलने से पहले पूजा कर रहा था। गुप्ता जी, शटर में पूजा करने का जरूरत है उसकी दुकान में, तो पहले ग्राहक आकर खड़े हो जाते हैं। बात सही कह रहे हो, बिल्कुल से शटर खोलने की जरूरत होती है बस। हाँ, पागल आदमी पूजा कर रहा है ठेके पे। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं खुशी का ठिकाना नहीं होता है, एक्चुअल में खुशी के तो ठेके होते हैं। सही बात है, ये तो है, खुशी कम दोनों के होते हैं। हाँ, खुशी कम दोनों के। एक यही ऐसा काम है गुप्ता जी जो शटर खुलने से पहले ग्राहक खड़े होते हैं। हाँ सही कह रहे हो, लाइन, वो भी लाइन लगाकर। हाँ, और जहाँ देसी मिलती है। ये तो है गुप्ता जी, आजकल विदेशी में भी खड़े होते हैं। पानी में भी कड़वी लग रही है, प्रॉपर कड़वी। मेरे यहाँ तो पानी डाल रहा है, लाइट लग रही है। 900 रुपए की पता नहीं कैसे सस्ती दारू लग रही है। अच्छा, बोतल लुक वाइज मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। शेप अच्छी है, ये जो बना हुआ ना, ये बनाया अलग से कुछ, ये अच्छा है। स्टिकर ऐसा लग रहा है लोकल एकदम। एक तो मुर्गा भी लोकल लगा दिया, इसके वो पंख, सर पे पंख ही नहीं है। कोई बात नहीं गुप्ता जी। अच्छा, सर पे पंख तो मोर के होते हैं। ये देखो, मैं ये लोकल कुछ ज्यादा लोकल हो रही है, आपको पहले चढ़ गई है। वैसे गुप्ता जी, ये दारू है बड़े काम की। क्यों? मेरी शादी इस दारू ने कराई है। इसने? अच्छा जी, कैसे? ससुराल वाले आए, मेरे से पूछा बेटा दारू पीते हो? मैं कहा हां जी पीता हूं, झूठ क्या बोलना। क्या रोज पीते हो? मैं कहा हां जी, मंगलवार छोड़ के रोज पी लेते हैं। कह रहा फिर तो अच्छे कमाते हो जो रोज दारू पी लेते हो। बात तो सही है, मेरी भी ना वैसे इसी की वजह से हुई है। अच्छा। मुझसे तो पूछा दारू के साथ साथ नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा, कहते ये तो और ज्यादा कमाता हो। देखो करो, ये इसी से बांधो अपनी भला, इसी के ऊपर छोड़ो। सही बात है, उनको पता लग गया ना। चलो खन्ना जी, अब इस मुर्गे को रेटिंग दे दो। 6.5। साढ़े छः? मेरी भी इसे रेटिंग है 6.5। हाँ इतनी बन रही है, कुछ ज्यादा बन रही है। अगर ये होती ना 600 रुपए की तो ठीक है, 500-600 रुपए की। यार स्कॉच है, स्कॉटलैंड इन, यार ब्लेंडेड स्कॉच है ना यार। ब्लेंडेड क्या, 3 years एज तो होती है इनकी। मुझे टेस्ट कम अच्छा लगा इसलिए। हाँ, टेस्ट ठीक है, 6.5 तो आपने। और आप इतनी साइज ले रहे हो, आपने भी तो 6.5 दिए यार। ये तो है। अरे वो क्या हुआ, आपकी मेज आ गई? नहीं, वो वाली तो चली गई थी। हाँ? पहले वाली नहीं, मैंने बोला बीवी को रख लेते 800 रुपए कह रही है महीना, और सारे काम करेगी, झाड़ू पोछा ये वो। हाँ? कहीं नहीं, पैसे बचा लेंगे, क्यों रखेंगे? मैं कहा क्यों पैसे, कहीं नहीं आप बहुत से काम करने के लिए। बात तो सही है,
बताया हम इसलिए बने हैं क्या आदमी लोग? चक्कर बताया क्या, आपके कर्म भी तो ऐसे हैं। अरे कर्म कैसे? पकड़े भी तो गए थे ना। और मैं कब पकड़ा गया गुप्ता जी? वो पहले वाली क्यों निकाली गई जो 28 साल की थी? वो तो बस बीवी को क्या नाम है मैडम की बजाय दीदी बोल दिया तो कह रही आपका कुछ लफड़ा। वहाँ कुछ था ना, कुछ लफड़ा थोड़ी था गुप्ता जी, ऐसे दिन थोड़ी आ रहे हैं। अब मैं वो क्या बातें बताऊं जो आपने मुझे चार पैक पी के बताई थी वो यहाँ? अरे मैंने कोई बात नहीं बताई यार। चलो तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।